हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि देश में कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स बनने के लिए 6 नए कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है। सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 6 क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। यह क्रैश कोर्स देश के 26 राज्यों में शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए करीब 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से जारी जंग में वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, जिससे ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो पाएंगे। अब इन 6 कोर्सेज को मिलेगा प्रशिक्षण, जिसमें पहला है बेसिक केयर सपोर्ट, दूसरा है एडवांस्ड केयर सपोर्ट, तीसरा है होम केयर सपोर्ट, चौथा है इमरजेंसी केयर सपोर्ट, पांचवा है सैंपल कलेक्शन सपोर्ट तथा छठवां है मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। मैं अब इसकी डिटेल बता देता हूं आपको कि क्या होता है। इसमें है होम केयर सपोर्ट, तो इसके तहत उम्मीदवारों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ECG और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे बेसिक डिवाइस को चलाने में सहायता, PPE की टोनिंग और डफिंग एंट्री करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना सिखाया जाएगा। दूसरा है इमरजेंसी केयर सपोर्ट, तो इस कोर्स के तहत कैंडिडेट्स को आपातकालीन स्थिति के लिए भी सभी कंज्यूमेबल्स, डिवाइस और अन्य इन्वेंट्री के साथ एम्बुलेंस तैयार करना, पेशेंट को पोजिशनिंग, एम्बुलेंस और प्रोनिंग के लिए सहायता करना आदि सिखाया जाएगा। अगला है सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, तो इसके तहत सैंपल कलेक्शन की पूर्व प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को व्यवस्थित करना, स्वाब और सैंपल कलेक्शन, रैपिड एंटीजन टेस्ट करना, विजिट एटिकेट्स का पालन करते हुए साइट विजिट की तैयारी करना आदि सिखाया जाएगा। अगला है मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट, तो इसके जरिए अभ्यर्थियों को वेंटिलेटर, BIPHP, CPAP, ऑक्सीजन डिवाइस, कंस्टेटर और सिलेंडर, डिजिटल थर्मामीटर IR, फ्लोमीटर, ह्यूमिडिफायर, पल्स ऑक्सीमीटर, मल्टीपारा मॉनिटर, नेबुलाइजर, BP इंस्ट्रूमेंट, ECG मशीन जैसे उपकरणों का संचालन करना सिखाया जाएगा। दोस्तों, यह कोर्स पूरा होने के बाद उम्मीदवार DSC या SSDM की व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में काम करने का इनको मौका मिलेगा। तो इन प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को क्या क्या लाभ दिए जाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो इनको सरकार द्वारा प्रमाणित ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको काम पर प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड, भोजन और रहने की सुविधा दी जाएगी और प्रमाणित उम्मीदवार को 2,00,000 का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 1,00,000 से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स को कौशल से लेस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। इसके तहत कोरोना योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 टास्क से जुड़े रोल के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।